कि अंधकार में प्रकाश है, वो दरिया की अनंत धार है, वो भूख में सूखी रोटी है और प्यास में गंगा जल है, वो अंबर में बिखरी लाली है, शीतल सुसंग सुराही है, वो गर्मी में नीम की छांव है, वो जाड़े में गर्म अलाव है, वो मेरी मंजिल में मेरी राही है, मेरी कलम की वो स्याही है, मेरे अनजान से सफ़र का एक खूबसूरत सा अंत है, वो मैं तो सिर्फ पंक्तियाँ लिखता हूँ, खुद पूरा ग्रंथ है वो। थैंक यू। अब ज़रूरी नहीं है कि इतनी अच्छी कविता लिखी है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। तो लिखा था कि झुककर सजदा मेरी वफाई पर करो, तुम इतनी नादान थोड़ी हो। झुककर सजदा मेरी वफाई पर करो, तुम इतनी नादान थोड़ी हो। और ये जो ज़ख्म देकर उन्हें मिटाने की कोशिश कर रही हो ना, शौक से करो, तुम पहली इंसान थोड़ी हो। थैंक यू। मैं लिखता हूँ जब गुमशुदा सा होकर तुझको याद करता हूँ। मैं लिखता हूँ तेरी खूबसूरती पर, तेरे हर एक अंग पर, तेरे बालों पर लिखता हूँ, तेरे गालों पर लिखता हूँ, तेरी आँखों पर लिखता हूँ, तेरे होठों पर लिखता हूँ, तेरी कलाई के उस तिल पर लिखता हूँ, तेरे हाथ की छोटी उंगली पर लिखता हूँ, तेरे दिल में छुपे उस दर्द पर लिखता हूँ, तेरी आँखों में बसे उन ख्वाबों पर लिखता हूँ, तेरी बातों पर लिखता हूँ, तेरी आवाज़ पर लिखता हूँ, तेरे बिना जो गुजरी है उस हर एक रात पर लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ तुम्हारे साथ गुजरे हर एक लम्हे पर, उन यादों पर जो कभी हमारी हुआ करती थी, उन बातों पर जो कभी प्यारी हुआ करती थी, उन सवालों पर जो कभी तुम पूछा करती थी, उन एहसासों पर जो कभी मैं बताया करता था। मैं लिखता हूँ जब मेरे पास होता नहीं कोई, जब उम्मीदें ढलने को होती हैं, तन्हाइयाँ आकर गले से लगाती हैं, हिज्र मुबारक करता है, खामोशियाँ अपनी पनाह देती हैं, जब चांद आसमां में निकलता नहीं, सांझ को सूरज भी ढलता नहीं, जब गगन में पंछी नज़र नहीं आते, तुम्हारे किए वादे मेरे जहन को नहीं भाते। मैं लिखता हूँ सिर्फ तुम्हें लिखता हूँ। तो एक पंक्ति है छोटी सी कि एक कमरे में तुम्हारी तस्वीर लगा रखी है, तुम्हारे जाने की यादें सजा रखी हैं, और बिछड़ते वक्त जो तन्हाई छोड़ गई थी तुम, गौर से देखो सीने से लगा रखी हैं। एक ख्वाब है तुम आओगे कभी, सांसों के थमने से पहले मेरा हाथ थाम लोगे, अश्कों के बहने से पहले ये दर्द बांट लोगे, कुछ रह जाएगी कसक तो सीने से लगा लोगे, पलकों को बंद करके बाहों में सुला लोगे। एक ख्वाब है तुम आओगे कभी, और अगर ना भी आए तो कौन सा ज़िंदगी से यह साथ छूट जाएगा, बस एक मासूम सा ख्वाब ही तो है सो टूट जाएगा। अच्छा, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो एक ये फर्स्ट मीटिंग की मुलाकात थी कि ब्लैक पहन कर आई थी, तो उस पर लिखा था कि अपने हुस्न से यूँ चांद को जलाया ना करो, अपनी अदाओं से इन तितलियों को सताया ना करो, हमारा दिल ज़रा नाजुक है, हमारी कम ही सुनता है, सुनो तुम ये काले लिबास में मत आया करो। तो एक और उम्मीद से भरी हुई कि एक दिल था जिसे रुला दिया, एक शख्स था जिसे भुला दिया, एक मंजिल थी जिसका रहबर ना मिला, एक दरिया था जिसका साहिल ना दिखा, एक गली थी जो सूनी रह गई, एक पहलू था जो पूरा ना हुआ, यूं तो मैंने चाहा कि मिटा दूं ये सारी दूरियां, मगर एक कहानी थी जो अधूरी रह गई। और एक लिखी थी कि किसी अजनबी मुसाफिर की मंजिल हो तुम, कितने ही आशिकों की ख्वाहिश हो तुम, न जाने कितने दिल तुम्हारी चौखट पर आकर मरे हैं, आज ये अप्सरा कहाँ कातिल हो तुम। एक कली लिखी थी कि जैसे बचपन में सभी ने सुनी ना पुष्प की अभिलाषा, याद करके गए, पेपर में आंसर भी दिए, तो ये मेरी पुष्प की अभिलाषा है कि अपनी पावन सी बगिया का तुम मुझको फूल बना लेना, जब आए सवरने की बारी तुम मुझको तोड़ लगा लेना, मैं तनिक नहीं घबराऊंगा, मैं स्वप्न पूर्ण कर जाऊंगा, तुमको संवारने की खातिर मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा, जब जाओ कृष्ण की नगरी को तुम मुझको साथ में ले जाना, जब आए चढ़ावे की बारी तुम मुझको अर्पण कर देना, बेजोड़ हवा के झोंकों से पुंकेसर बन लौटाऊंगा, फिर उसी बाग में उसी जगह में अमर पेड़ बन जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।